उठते सबसे पहले क्या बोलते हैं, उठती क्या बोलते हैं, बोलते सब थोड़ा तेज बोला, क्या बोला सही है, क्या बोला दोबारा बोल। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जल्दी उठ गया आज, आलसी जीव नहीं रहा, जल्दी उठ गया। क्यों उठ गया तो आज जल्दी ना, अपना रात का आखिरी दिन है, मैं तो को बाय बाय करने के लिए है, पूजा करेगा। लग तो नीरा मुझे, तू नहाया लग तो नीरा, गंदा ही लग रहा है तू। मैं तो नहीं नहाया और ये नहा भी लियो, वो गंदा ही लग रहा है, नहाया हुआ तो लग ही नहीं रहा किसी एंगल से। लग रहा है क्या नहाया हुआ? मेरे को तो नहीं लग रहा, गंदा ही लग रहा है, गंदा। नहाया तू? किसने नहीं लगा? ओ नाइल्स मारे जा रहा है तू, साले गंदे गंदे। तू नहा लिया क्या पहले बता? लग रहा है क्या नहाया हुआ? मेरे को तो नहीं लग रहा, लग रहा हो बता देना आप लोग। ये तो मेरे को तो नहीं लग रहा ना है, गंदा है, नाखून मार रहा है बहुत गंदे। नहाया नहीं है ये, मुँह तो क्या ड्राई क्लीन मारी है उसने, ड्राई क्लीन मारी है ना, सही सही बोल दे, ड्राई क्लीन मारी है बेटा। पंखा तो चालू कर लेते। नहीं पहले बता, ड्राई क्लीन मारी ना तूने? नहीं। हाँ ड्राई क्लीन मारी है। इसने ड्राई क्लीन मार ली और सबको बोल रहा मैं नहाया हूँ नहाया हूँ, तो बाथरूम में जाके ड्राई क्लीन मार के आ गया। ड्राई क्लीन मारी ना, सच्ची सच्ची बोल दे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं क्लिप भी हटा दूंगा ये वाली। ड्राई क्लीन आ रही है ना, तो नहा ही लेता आज के दिन। तो आज स्कूल की छुट्टी थी या करी अपन ने? अपन ने किया। क्यों क्यों क्यों? आज आखिरी दिन है, कल की वैसी छुट्टी होगी, कल संडे। भाई इतना बेकार बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, ये देख लो आप। ओए यार इतनी जोर से नाखून मार रहा है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नेल पेंट के जिसके कोई हद नहीं हो रही होती, उल्टी सी दर्द करते कर रहा है, फट जाएगी वो। पहले बता ड्राई क्लीन मारी ना तूने? क्यों मारी ड्राई क्लीन? नहाते हैं साले पूजा करते जिस दिन, उस दिन तो नहाते हैं, नहा जाके ना मारूंगा नहीं तो देख ले, मारूंगा तेरे को। ना चुका नहीं तो ड्राई क्लीन मारी। तो अभी इसने ड्राई क्लीन मारी है और अब इसकी, अब कौन मार रहा है ड्राई क्लीन? अब दिया ड्राई क्लीन मार रही है, फिर मैं जाऊंगा ड्राई क्लीन मारने, ड्राई क्लीन मार के आऊंगा फटाफट से, ड्राई क्लीन मार के आऊंगा फिर मैं भी। अभी इसने ड्राई क्लीन मारी है और फिर मैं मारूंगा, फिर मैं मिलता हूँ ड्राई क्लीन मार के आप लोगों को, है ना? बोल। हाँ बोल तू बोल। कल है ये क्या है? तो ये तो मेरी है, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। तो आज मैं आपको बता दूं, आज कन्या पूजन हो रही थी और ये बैरू जी बना था, बैरू जी बैरू बाबा, दो दो जगह। कहाँ कहाँ? भैया के घर पे, छोटू के घर पे। अच्छा हाँ, तो हमारे घर का बैरू जी बना था ये आज। और भैया बाहर इतनी तेज गर्मी हो रही है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत तेज गर्मी है। और ये भैया गर्मी में ना इस चुस्की के मजे लेगा, रख दे फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी, फ्रीजर में रख दे इसको। ये देखो ये कौन सी स्टाइल है भाई, आते लग गया तू तो इसमें है, आते लग गया तू तो है भैया, ये तो आते चुस्की में लग गया भैया, चुस्की राम है तेरे को, तो मैं तो देखा था तू है। और मेरे को यार तू एक चीज बता, आज तूने आज तक तेरी कमाई भी हुई भैरू जी बनाया, फिर ऐसे ही फोकट में निपटा दिया तेरे को? कमाई क्या क्या मिला? मैंने तो तेरे को दी थी ना पर्क, केले और सेब। और पैसे सारे? कितने का सारे? में फिर भी कितने कितने सारे मिले ये बता? 20 रुपीज। किसने दिए 20 रुपीज? अच्छा मम्मी डैडू ने दिए। और छोटू भैया ने 15 रुपए। आज तो 35 रुपीज की कमाई कर ली। आज मैंने अपने गुल्लक में डाल दिया। और 5 रुपए की, 5 रुपए की चुस्की लिया और इसकी गुल्लक देखो कितनी मस्त है, ये इसकी गुल्लक इसमें डाल दिया, इसमें डोरेमोन वाली गुल्लक। कौन लाई? कौन लाई? पापा लेके आए। तो भैया हमने पूजा करी थी, हमारी पूजा हो गई है, तो हमने सुबह कर ली थी। और एक्चुअली क्या सुबह सुबह क्या है, इसलिए ब्लॉग नहीं करा क्योंकि कन्या लाने भी गया था और छोड़ने भी गया था और भी सारे काम थे उस समय। मेरी भी इच्छा थी कि यार ब्लॉग शूट करूँ बच्चों के साथ में, बट नहीं कर पाया क्योंकि यार लाना और छोड़ के आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसी को आप ले तो आते हो और फिर उसको छोड़ने नहीं जाओ ना, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं छोड़ने भी गया था, इस चक्कर में नहीं करा मैंने शूट।
और सीरियसली बताऊँ बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, कल से भी ज़्यादा तेज़ गर्मी है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा गर्मी का उल्टा रहा है देख लो। और बाहर इस समय कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है बाहर, ये हालत है। तो आज यार समझ में नहीं आ रहा, अभी भी गर्मी लग रही है। और हम देख रहे थे पंजाबी मूवी, तो अभी मूवी देखी और बस अब इसके लिए चुस्की लेके आया था और अभी इसको अंदर भेजा है। और अभी थोड़ी देर में मैं भी अंदर जाके बैठूंगा यार, यहाँ पे बैठा ही नहीं जा रहा यार, पंखा भी बंद करके बैठूंगे। देखो मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, तो अंदर चल के बैठते हैं भैया, अंदर बैठने में रिलैक्स है, पीछे तो ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अंदर ही सही है एटमोसफेयर। तो चलते हैं अंदर और अब देखते हैं यार, शाम को ही निकलेंगे यार, दिन में तो कहीं निकलने की इच्छा नहीं है क्योंकि बाहर इतनी तेज गर्मी है ना, कहीं जाया ही नहीं जाएगा। तो शाम को देखते हैं, कहीं निकलते शाम को जाएंगे बाइक से। तो भाई क्या क्या कर रहा है, कूलर के आगे बैठ गया, हवा तो आने नहीं दे रहा तू। तो वहाँ बैठ के करके रहा, हवा रोक ली तूने सारी है, ऐसे कौन करता है भाई, क्यों है क्या यार ऋषभ, हवा रोक लिया यार तूने यार। तो इधर ही हवा खा रहा है, इधर ब्लॉग एडिट हो रहा है, ब्लॉग एडिटिंग चल रही है भैया। कितना हो गया, 21% हुआ है भैया, एक घंटा लग गया अभी भी। और ये देखो मोटी मोटी मॉडल, ओहो पर्स भी खरी ने, कहाँ से लाई, किसने दिया, किसने दिया सही से बताया। अरे किसी ने दिया है, तेरे को गिफ्ट दिया है ये बैग, ला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे यार। चिल्लाया मत करा क्या मोटी है, ठंडी ठंडी हवा सारी रोक ली तूने, मस्त हवा रही है ना, मगर हवा मस्त आ रही है ना, तो बिल्कुल नहीं आने देगा, बिल्कुल नहीं आने देगा, क्या नहीं आने देगा, अरे क्या नहीं आने देगा। तो भैया दिन में ऐसे मस्तियाँ चलती है पूरे दिन, और मस्ती भी इतनी खतरनाक है कि कूलर के आगे रह गया, किसी को हवा नहीं खाने दे रहा है। कर क्या कर क्या रहा है, कर क्या रहा है तू, क्या 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 रहा है तू, बड़ा तानतेन बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सा गाना गा रहा है, समझ में नहीं आ रहा तेरे गाने, जरा गाइयो, ना पता नहीं क्या क्या गाता रहता है, नए नए गाते। ये दूसरी आ गई तानसेन की अम्मा, ए तानसेन की अम्मा मान जाओ, गई हो गई हो, जरा पता नहीं क्या है, आवाज सुन लेना, अभी ट्यूशन वाला आने वाला है ना, फिर अभी आवाज़ देखता तेरी कितनी निकलती है, अभी तो चिल्ला ले बेटा तू जितना चिल्ला रहा है, तेरे ट्यूशन वाले के सामने आवाज़ नहीं निकलना, फिर पता चलेगा बच्चे ना, एक तो बच्चे ट्यूशन के नाम से, और ये देख लो कितना चिल्ला रहा भाई साहब, शांति नहीं हो रहा यार, ये इतना चिल्लाता ना जिस चीज़ के लिए, अभी ट्यूशन वाले के देख शांत होने के लिए बोलो ना, तो शांत नहीं होगा, चिल्लाएगा इससे बढ़िया बोले मत, प्लीज की टांग चुप हो जा, बेकार हो गया। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बोलने के लिए भी ऐसा लग रहा है, बोल ही नहीं रहा यार, मतलब एनर्जी देखो, एनर्जी कितनी हाई है इसकी है। अरे बस रे बस दादा बस, मान गया तू तानसेन का भाई है, मान गया ना, अरिजीत सिंह है आने वाले समय का, अरिजीत सिंह है तू, छोटा अरिजीत सिंह, मान गया मैं तुझे, चिल्लाइयो मत, बस बस हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल देता है, बट आज जो बोलता है ना, एक तो समझ में नहीं आता, बोलता बहुत जल्दी और क्लियर नहीं बोलता, चिल्ला जाता बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है, स्वीट लगता है। तो भैया गर्मी बाहर, सीरियसली बताओ ना, तो बाहर जो गर्मी है ना, बाहर गर्मी में बहुत तेज है, ये देखो बाहर की हालत, तो बाहर गर्मी हो रही है, लू चल रही है, लू की वजह से ना हम लोग बाहर नहीं निकलते, सीरियसली बताऊँ, गर्मियों में हम कभी बाहर नहीं निकलते, ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं, कूलर वूलर ऑन रखते हैं और अंदर ही रहते हैं। और ये देखो दिखा दिखा दिखा, अरे बस बस धरती, ये धरती हिलाने के लिए बोला था, मेरे कान हिला दिए इसने, कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे भाई, ऐसे काम करता है भाई। अरे नहीं ऋषभ नहीं, बस 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 बस, हाथ जोड़ दिया मैंने, मत कर प्लीज, अब चिल्लाना पीटेगा। तो अभी इसका ट्यूशन वाला अभी आने वाला है,
और यार आज फास्ट भी हो तो फास्ट आज खोलते हैं, और यार फास्ट खोलकर थोड़ा सा पेट पूजा करके दोबारा मिलता हूँ आपको, क्योंकि यार आज लास्ट नवरात्रा है, ठीक है। आज कल के बाद में तो फिर फास्ट वही होंगे, मंगलवार के रखते हैं, फिर एक दिन का ही फास्ट होगा, तो यार अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और दोबारा मिलता हूँ आपको। ये ऐसे चिल्लाता ही रहेगा, बस तू चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है तू, ये बता क्या चाह रहा है तू, बस अब चुप हो जा, नहीं तो पिट जाएगा मेरे सब चिल्लाया तो। बस 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 बस, तो चलो शांत हो जाए, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। तो आज की भी जो मस्ती है ना वो इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, सीरियसली बताओ ना, अभी जयपुर में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना, मेरी हालत ख़राब है सीरियसली बताओ, पसीने के कारण हो यार, दो चार दिन से थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी रुकी है ना, कि ब्लॉग भी शूट करने की इच्छा नहीं होती। और ये एक तो ना क्या, मैं जब भी ब्लॉग शूट करता हूँ ना बहुत ज़्यादा बीच में बकवास करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, करता है ना, क्या बोलेगा तू, अब भग गया ना, अब देखा ना, अब भग गया ना, हाँ इसकी मतलब हमेशा की आदत हो गई है, जब भी मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ या फिर मैं कुछ बोलूँगा तो बीच में आके जरूर टोकेगा, ये मतलब आदत ही बना ली है इसने टोकने की, तो अब इसकी आदत सुधारेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है इसकी आदत कैसे सुधारनी है। और सीरियसली बताऊँ ना, अभी दो चार दिन से गर्मी है ना जयपुर में इतनी तेज़ हो रही है ना, सीरियसली बोल भी नहीं सकता, और ये देख लो आप लोग पसीने कैसे बढ़ रहे हैं बहुत गंदे वाले। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि गर्मी नहीं से झेली जा रही। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि कल शायद तक मैं छोटी मोटी राइड के लिए जा सकता हूँ, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं, अभी अन्नी से मैंने डिसाइड तो किया है। और यार वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक दो दिन से मतलब अजीब से फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए फ्रेश ब्लॉग के अंदर, ये आ गया मोटी, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय बाय, चल बाय बाय करके भग जा, भग जा। तो ये अब चलो ठीक है, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे से वीडियो में, कल तक के लिए बाय बाय।